ना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञान थिरांजस्य ज्ञानंजना शलाकाय चक्षु उन्मीलित मेरा तस्मै श्री गुरवे नमः। वाचा कर्तृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग ने कल मानसी गंगा की परिक्रमा कर रहे थे हम, तो उसके अलग अलग घाटों के बारे में पढ़ा। मानसी गंगा का श्री हरिदेव, ब्रह्मकुंड, मनसा देवी, गो घाट, चक्रतीर्थ पर बहुत सुंदर लीला हुई है कृष्ण और राधा रानी की। कृष्ण नाव को बीच में ले जाके उसे डुबाने की एक्टिंग करते हैं और फिर राधा रानी उनको जोर से हग कर लेती है डर के मारे। तो यही कृष्ण की मनोकामना होती है, यही उनकी इच्छा थी। तो इसके आगे से अब हम आज स्टार्ट करेंगे श्री सनातन गोस्वामी की भजन पुथी। तो चक्रतीर्थ पर भी चकलेश्वर महादेव के सामने श्री सनातन गोस्वामी की भजन पुथी है। सनातन गोस्वामी कभी यहाँ रहकर बहुत सुंदर भजन करते थे, लेकिन मच्छरों के उत्पात से वो बहुत ही परेशान हो गए और उन्होंने सोचा, क्योंकि उस स्थान पर बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए थे और वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि इस स्थान को छोड़कर मैं दूसरे स्थान पर जाना चाहिए। तो उसी समय चकलेश्वर महादेव वहाँ पर विप्र रूप में, माने ब्राह्मण के रूप में आकर उपस्थित होते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि बाबा जी आप कहीं अन्यत्र ना जाएं और यहीं पर रहकर एकदम फ्रीली स्वच्छंद रूप से भजन कीजिए। तो अब से यहाँ आपको मच्छर नहीं परेशान करेंगे, तो तब से यहाँ पे मच्छरों का उत्पात नहीं होता है। सनातन गोस्वामी ने निर्विघ्न बिना किसी अड़चन के यहाँ रहकर कुछ दिनों तक भजन किया है। उसके बाद श्री सनातन गोस्वामी जब ओल्ड एज में आ गए, वृद्ध अवस्था में, तो भी वो गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। मैंने उनका एक नियम था, सनातन गोस्वामी का एक नियम था कि वो रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे। तो अब वो एकदम बूढ़े हो चुके थे, वृद्धावस्था थी, तब भी वो एक दिन उसी तरह परिक्रमा करने को निकलते हैं। और ऊपर से गर्मी का दिन था, ग्रीष्म काल था, तो वो परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। तो गर्मी का दिन हमारे मुंबई में तो उतना नहीं होता, लेकिन जो वृंदावन है और जो उस तरफ के जो लोकेशंस हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो चिलचिलाती धूप पड़ रही थी, पैर तले मिट्टी भी तप रहा था, जो पैर के नीचे मिट्टी होती है वो भी एकदम आग के जैसे तप रहा था। गोस्वामी जी पसीने से एकदम लथपथ हो गए और थक हार के वो एक जगह बैठ गए। वहाँ पे कोई छाया भी नहीं था, तो हठात वहाँ पे एक ग्वारिया बालक आया। सडनली वहाँ पे एक छोटा सा बालक आया ग्वारिया, और अपने एक हाथ से, उसके पास पीली ओढ़नी थी, तो एक हाथ से उसने पीली ओढ़नी को उनके सर पे छाया कर दिया एंड दूसरे हाथ से ओढ़नी का एक छोर पकड़ के उनको पंखा भी करने लग गया। और फिर इस तरह वो ओढ़नी के दूसरे छोर से सनातन गोस्वामी के मुखमंडल पर हवा करने लगा। उस बालक के स्पर्श से सनातन गोस्वामी का सारा अंग सुशीतल हो गया, यानी वो गर्मी से एकदम उनका हालत ठीक नहीं था, खराब हो गया था, शरीर भी कमज़ोर था, बूढ़े थे वो। लेकिन जैसे ही उस बालक का स्पर्श उन्हें मिला, उनका सारा शरीर बहुत ठंडा सा हो गया। उस बालक ने बड़ी मीठी बोली में सनातन गोस्वामी से कहा, बाबा इस वृद्ध अवस्था में इतने कष्ट से गिरिराज की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको गिरिराज जी का एक शिला देता हूँ जिस पर श्री कृष्ण के चरण एवं लकुटी के चिन्ह अंकित हैं। उस पर निशान है भगवान के श्री चरण के और लकुटी के, उनके पास जो लकड़ी होती है उसकी। तुम प्रतिदिन इस शिला की परिक्रमा कर लेना एंड
वो परिक्रमा करने से इसे गोवर्धन परिक्रमा का जो फल मिलता है वो सारा फल आपको प्राप्त हो जाता है। ये कहकर वो बालक और शिला सनातन गोस्वामी को दे देता है और वहां से अंतर्धान हो जाता है, यानी वो कहाँ चला जाता है किसी को पता नहीं। यह बालक और कोई नहीं गिरिराज जी को धारण करने वाले गिरधारी ही थे। यह शिला श्री वृंदावन में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में विराजमान है। अभी भी हम जाएंगे श्री राधा दामोदर मंदिर, तो वहां पे ये शिला है। इसलिए श्री इस समय यह जयपुर के श्री राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है और वृंदावन के श्री राधा दामोदर मंदिर में इसकी प्रतिभू विग्रह है। श्री प्रतिभू विग्रह यानी उसके जैसे ही दिखने वाला एक और शिला है जो वृंदावन के मंदिर में, लेकिन जो ओरिजिनल शिला श्री सनातन गोस्वामी को कान्हा जी देखे गए थे तो वो जयपुर के मंदिर में है, जयपुर के श्री राधा दामोदर मंदिर में है। श्री राधा दामोदर की 4 बार परिक्रमा करने से गिरिराज गोवर्धन की एक परिक्रमा का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। अगर हम इस मंदिर में ठाकुर जी की परिक्रमा करते हैं श्री राधा दामोदर जी की, तो हम उनके हम हमेशा राधा कृष्ण के मंदिर में 4 बारी परिक्रमा करते हैं, तो इस मंदिर में जब हम 4 बारी परिक्रमा करते हैं तब वो उसे एक गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा को माना जाता है, यानी उसका फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर चकलेश्वर मंदिर के सामने ही श्री गौर नित्यानंद प्रभु का भी मंदिर है। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन परिक्रमा करते समय यहाँ चकलेश्वर महादेव और मानसी गंगा पारंग घाट आदि का दर्शन कर विश्राम किया था। इसलिए वहां पर श्री गौर नित्यानंद दोनों का यानी निताई गौर दोनों का ही मंदिर है। मुखारविन नेक्स्ट स्टेप है। मुखारविन मुखारविन में मानसी गंगा के उत्तरी तट पर श्री गोवर्धन जी का मुखारविन है, उनका मुख है गोवर्धन जी का। गोवर्धन जी का आकार बैठी हुई गाय के समान है। जब हम दूर से ऊपर से अगर गोवर्धन जी को देखें तो वो कैसा दिखेगा, जैसे कोई गाय है वो बैठी हुई है, उस पर जिसका पिछला भाग पुछरी है, पुछरी का लोटा भी है गोवर्धन की परिक्रमा में, तो जो पीछे की पूंछ होती है गाय के, तो वो पूछ पिछला भाग होता है गोवर्धन का, जो पिछला भाग है वो पुछरी है और उन्होंने अपनी गर्दन घुमाकर मुख मंडल को अपने पेट के निकट रखा है और उनके दोनों नेत्र राधा कुंड और श्याम कुंड है, इसलिए उनका मुखारविंद पेट के निकट गोवर्धन से है। क्योंकि जो गाय गाय जब अगर अपना मुंह इस तरफ घुमा ले तो उसका मुंह पेट की तरफ आता है, तो इसलिए जो मुखारविंद है वो गोवर्धन के उस तरफ है। तो यहाँ गिरिराज जी के मुखारविंद का बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन इनका अभिषेक पूजन और भोग राग होता है। अन्नकूट और दीपावली के अवसर पर महोत्सव का आयोजन भी होता है। नेक्स्ट आता है इंद्रध्वज वेली। यह गोवर्धन की पूर्व दिशा में अवस्थित है। यहाँ पर पहले इंद्र इंद्र की पूजा होती थी। श्री कृष्ण ने इस पूजा का स्वरूप बदलकर इंद्र पूजा के बदले गोवर्धन पूजा का प्रचलन कराया था। तो यही वो स्थान है जहाँ पे इंद्र देव की पूजा किया करते थे ब्रजवासी, इंद्र ध्वज वेदी। नेक्स्ट इज ऋण मोचन और पाप मोचन पूर्व। गोवर्धन के पूर्व दक्षिण में इंद्र ध्वज वेदी के पास जहाँ पे इंद्र भगवान इंद्र देव की पूजा होती थी, उस वेदी के पास ही वर्तमान में बस अड्डे के पास ये दोनों कुंड हैं। इस वक्त वहां पे बस अड्डा है, किंतु वर्तमान अवस्था में ये कुंड लुप्त हो गए हैं। अब वो कुंड नहीं दिखाई देते हैं, लुप्त हो गए हैं। एक कुंड को पाट कर वहां बिजली कार्यालय बना दिया गया है। पाट कर यानी उसको भर दिया गया है और वहां पे अभी बिजली कार्यालय है, और दूसरे को भी पाट कर दुकानें और घर बना दिए गए, यानी पूरी तरह से कुंड दोनों गायब हो गया है। नेक्स्ट इस दान घाटी। गोवर्धन पर्वत के बीच में यहाँ से आजकल मथुरा और काम्यवन का राजमार्ग जाता है, उसे दान घाटी कहते हैं। यहाँ अभी भी इस पार से उस पार या उस पार से इस पार करने में टोल टैक्स देना पड़ता है, यानी आज भी वहां पे टोल टैक्स देना पड़ता है। कृष्ण लीला के समय कृष्ण ने दानी बनकर गोपियों से प्रेम कला कर नोक झोंक के साथ दान लीला की है। दान केली कौमुदी कौमुदी तथा दान केली चिंतामणि आदि गॉडियस गोस्वामियों के ग्रंथों में इस लीला का सरस वर्णन आता है। ये दोनों
ग्रंथ है दान केली कौमुदी और दान केली चिंतामणि। तो इसमें इस प्रसंग का बहुत अच्छे से सुंदर वर्णन है। तो अभी हम उस लीला को भी सुनते हैं, जो लीला दान जिसके कारण उस घाटी का नाम दान घाटी पड़ा है। किसी समय श्री भागुरी ऋषि गोविंद कुंड के तट पर भगवत प्रीति के लिए यज्ञ कर रहे थे। दूर दूर से गोप गोपियां यज्ञ के लिए द्रव्य ला रही थी, और श्रीमती राधिका एवं उनकी सखियां भी दान घाटी के उस पार से दही दही दूध मक्खन और दूध से बने हुए विविध प्रकार के रबड़ी पेड़ा आदि द्रव्य ला रहे थे। इसी स्थान पर सुबल मधुमंगल ये सब कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं, और आदि सखाओं के साथ कृष्ण अपने लाठियों को अड़ाकर बलपूर्वक दान मांग रहे थे, और गोपियों के साथ उन लोगों की बहुत नोकझोंक हुई। एंट्री ही नहीं करने दे रहे थे वो दान दाया मतलब उस रास्ते पर, इसलिए कृष्ण वहां पे अपनी जो उनके पास लकुटी है उसको बीच में रोक दिया ताकि वो गोपियां वहां से जा नहीं सके। और उनके पास क्या था, दूध था दही था, वो जो यज्ञ कर रहे थे श्री भागुरु ऋषि उनको देने के लिए वो लोग मटकियों में दूध दही माखन दूध से बनी हुई विविध प्रकार की मिठाइयाँ सब भर भर के लेके आ रहे थे, पर कृष्ण ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। श्री कृष्ण ने द्विभंग ललित रूप में खड़े होकर भंगी से कहा कि क्या ले जा रही हो। तो गोपियां कहती है भागुरी ऋषि के यज्ञ के लिए दूध दही मक्खन ले जा रही है। तो मक्खन का नाम सुनते ही मधुमंगल के मुख में पानी भर आया, बहुत जल्दी से बोल उठा शीघ्र ही यहाँ का दान देकर आगे बढ़ो। दान देकर मैंने टोल दे के जाओ। तो ललिता कहती है तेवर भर के बोली, ललिता बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो बोलती है कैसा दान, हमने कभी दान नहीं दिया। तो श्री कृष्ण ने कहा यहाँ का दान चुका कर ही जाना होगा। तो श्रीमती जी आप यहाँ दानी कब से बने, या ये आपका बगौती राज्य है। तो राधा रानी ने ऐसे बोला। तो कृष्ण बोलते हैं तेरी बातें मत करो, मैं वृंदावन का राज्य का राजा वृंदावनेश्वर हूँ। तो श्रीमती जी बोलती है सो कैसे, तुम कैसे यहाँ के राजा हो गए। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि वृंदा वो मेरी विवाहिता पत्नी है, पत्नी की संपत्ति भी पति की होती है, इसलिए वृंदावन वृंदा देवी का राज्य है, इसलिए ये अब मेरा राज्य हो गया। तो ललिता कहती है अच्छा, हमने कभी भी ऐसा नहीं सुना, अभी वृंदा जी से पूछ लेते हैं। तुरंत ही सखी ने वृंदा की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए पूछा, वृंदे क्या ये काला तुम्हारा पति है। तो वृंदा बोलती है तुनक, कदापि नहीं, इस झूठे लंपट से मेरा कोई संपर्क नहीं है। हाँ ये राज्य मेरा था किंतु मैंने इसे वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका जी को अर्पण कर दिया। अब सभी सखियां ठहाका मार के हंसने लगी। श्री कृष्ण उनका पोपट हो जाता है, कुछ झेप से गए किंतु फिर भी दान लेने के लिए डटे रहे। फिर गोपियों ने प्रेम कला के पश्चात कुछ दूर भीतर दान निवर्तन कुंड पर प्रेम का दान दिया और लिया भी। इसके बारे में और डिटेल में अगर हमें जानना है तो जो ग्रंथ है उसमें हमें इसकी कथा मिलेगी। नेक्स्ट इस दान निवर्तन कुंड, गोपियों ने यहाँ कृष्ण से प्रतिदान ग्रहण किया था। पारसोली परासौली, नेक्स्ट इज परासौली, गोवर्धन की तलहटी में, गोवर्धन ग्राम से लगभग 1.25 मील अग्निकोण में परासौली ग्राम गांव है। मुगल काल में मुसलमानों ने गांव का नाम बदलकर मोहम्मदपुर रख दिया है। यह कृष्ण एवं उनकी प्रियतमा गोपियों की वसंत ऋतु में होने वाली रासलीला का स्थल है। हर मौसम में जैसे शरद पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा की रासलीला हुई है, तो ये जो लीला स्थली है ये वासंती रासलीला है, यानी वसंत ऋतु में होने वाली रासलीला का स्थल है। यहाँ पर ब्रह्मा जी एक रात तक रास, यानी ब्रह्मा जी का जो एक रात होता है उतनी देर तक का रास हुआ। नॉट जैसे हम लोग ने ब्रह्म विमोहन लीला में पढ़ा था कि यहाँ का हमारी धरती पर जो एक साल बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक पल होता है, वो यानी एक मिनट होता है, एक मिनट भी पूरा नहीं होता। तो जैसे कृष्ण ऊपर से जाकर नीचे आते हैं तब तक ब्रह्मा जी जब बछड़ों को बांध के अपने ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं और जब वापस आते हैं खाली छोड़ ब्रह्मलोक से, तब तक क्या हो जाता है, एक साल बीत जाता है। तो
तो इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक रात होता है, तो उस ब्रह्मा जी के एक रात भर त्रास हुआ था यहाँ पर, परंतु ऐसा प्रतीत हुआ मानो ब्रह्मा जी की वह रात भी कुछ क्षणों में ही बीत गई। यानी इतना लंबे समय तक रासलीला हुआ, लेकिन फिर भी गोपियों को और कृष्ण को ऐसा लगा जैसे कुछ ही पल बीते। आकाश में चंद्र भी रासलीला को देखकर स्तंभित हो गए तथा सारी रात रस से मस नहीं हुए। यानी आकाश में से चंद्र भी अपनी जगह से हिलता नहीं है और उनके पूर्ण ज्योत्स्नामयी किरणों के प्रकाश में रास होता रहा। इसलिए इसे चंद्र सरोवर भी कहते हैं। सरोवर के नैऋत्य कोण में श्रृंगार मंदिर है, जहाँ कृष्ण ने स्वयं श्रीमती जी का श्रृंगार किया था। सरोवर के पास ही छोंकर वृक्ष के नीचे श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक है। उसी के समय सूरकुटी और सूर समाधि श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक में ही स्थित है। सूरकुटी एंड सूर समाधि मैंने सूरदास जी की कुटी और सूरदास जी की समाधि। तो सूरदास जी जो थे वो जन्मजात कवि थे और इनकी पदावलियों का संग्रह सूर सागर या सूर पदावली के नाम से प्रसिद्ध है। जो कविता उन्होंने लिखी उस ग्रंथ का नाम है सूर सागर और उसी का दूसरा नाम है सूर पदावली। सूरदास जी अंधे होते हुए भी श्री नाथ जी का जैसा श्रृंगार होता था ठीक वैसे ही पद की रचना कर उसका सरस वर्णन करते थे। सूरदास जी देख नहीं पाते थे, लेकिन जिस जिस तरीके से जिस दिन श्री नाथ जी का श्रृंगार होता था, उन्होंने क्या पहना है, उनकी कैसे रंग की पगड़ी है, उनका कैसे उन्होंने अपने ऊपर दुपट्टा पहन रखा है, तो जिस भी क्या गले में कौन से माला पहन रखी है, वो सब कुछ एग्जैक्टली वो उसी तरह उसको लिखते थे, अपनी पद की रचना करते थे, अपनी कविताओं में उसी तरह उसको पूरा वर्णन करते थे। एक दिन पुजारी ने श्रीनाथ जी को बिल्कुल कोई भी वस्त्र नहीं पहनाया, तो रखकर मंदिर के पट खोल दिए एवं सूरदास जी को उनके श्रृंगार का वर्णन करने को कहा। तो अब पुजारी जी को समझ में नहीं आया कि सूरदास जी हर रोज कैसे पता चल जाता है कि उन्होंने श्रीनाथ जी को कैसे श्रृंगार किया है। तो अब उसने उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की और फिर उन्होंने कहा, पुजारी ने उन्हें कपड़े नहीं पहनाए, श्रीनाथ जी को बिल्कुल ऐसे ही रखा। तो और वो पूछ बोलते हैं, वो सोचते हैं कि अब सूरदास जी कैसे मने बताते हैं। तो एक तो पट खोल दिए और फिर सूरदास जी कुछ क्षण तक मौन खड़े रहे। वो तो देख तो नहीं पाते थे, फिर वो कुछ देर मौन खड़े रहे, किंतु पुजारी के बार बार पूछने पर सूरदास जी बड़े जोर से हंसने लगी और यह पद गाना आरंभ किया कि आज भय हरी नंगम नंगा। तो सूरदास का यह पद सुनकर सभी लोग स्तब्ध हो गए, सरप्राइज हो गए। अपने अंतिम दिनों में वे पारसोली में ही थे, यानी जिस जगह के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पारसोली में सूरदास जी का जो अंतिम समय था उन्होंने वहीं पे बिताया था। श्री गोसाई जी ने पूछा, सूर तुम क्या चिंता कर रहे हो? सूरदास जी ने अंतिम पदावली के रूप में गाते गाते अपने प्राणों को छोड़ दिया। ये जो पदावली है वो उनके अंतिम शब्द थे। खंजन नयना रूप रस समाते, अतिशय चारु चपल अनियारे पल पिंजरा ना समाते। गोसाई जी ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, आज पुष्टि मार्ग का जहाज चला गया। पारसौली के अग्निकुंड में संकर्षण कुंड है और उसके तट के ऊपर श्री बलदेव जी का मंदिर है। नेक्स्ट इज पैथाग्राम। पैथाग्राम ग्राम मैंने गांव। पारसौली से 2 माइल्स के दक्षिण में यह गांव है। वासंती रास के समय जब श्री कृष्ण रासस्थली से गायब हो गए, उस समय विरह आतुर गोपियां इधर उधर उन्हें ढूंढने लगी। जब रास हो रहा था तब कृष्ण अचानक से रास में के बीच में से गायब हो जाते हैं और तब गोपियां इधर उधर उन्हें व्याकुल होकर ढूंढने लगती हैं। यहाँ आने पर उन्होंने चतुर्भुज रूप में कृष्ण को देखा। गोपियां उन्हें प्रणाम करके आगे निकल गई। कृष्ण जो है वो गोपियों को छलने के लिए चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए, यानी विष्णु की तरह उनके 4 पाए 4 भुजाएं थी। तो गोपियां कृष्ण को ढूंढते ढूंढते आती हैं और जब देखती हैं कि कृष्ण, उनको नहीं पता कि वो कृष्ण है, वो देखती हैं कि सामने कोई चतुर्भुज रूप में खड़ा है। तो
तो गोपियां उन्हें प्रणाम करती हैं और आगे निकल जाती हैं, और उनके पीछे पीछे श्रीमती जी भी विरहातुर यानी सेपरेशन में, वो एकदम विरह में होकर उन्हें ढूंढती हुई उपस्थित हुई। श्रीमती जी को यानी श्रीमती राधा रानी को भी गोपियों के पीछे पीछे विरह में कृष्ण को ढूंढते ढूंढते आ जाती है, और वहां पे कृष्ण जो है चार भुजा वाले रूप में खड़े हैं। लेकिन जैसे ही वो राधा रानी को देखते हैं, श्री कृष्ण के जो चार भुजा हैं वो अपने आप को स्थिर नहीं कर पाती। कृष्ण जब भी राधा रानी के सामने होते हैं वो बिल्कुल अपने बस में नहीं होते। और अभी तक जब गोपियों को छलना था तो वो नारायण बन के खड़े थे चतुर्भुज में। जैसे ही राधा रानी वहां से आती है तो उनका चतुर्भुज रूप में स्थिर नहीं रह सके, और उनके जो दो एक्स्ट्रा हाथ थे उनके स्वरूप में ही चले गए, मैंने उनके अंदर ही समा गए। तो वो नव किशोर नटवर गोपेश यानी अपने श्याम सुंदर स्वरूप में आ गए और वेणु करके स्वरूप में श्रीमती जी से मिले। तो इस प्रकार दोनों का मिलन होता है। श्री कृष्ण ने श्रीमती जी से क्षमा मांगते हुए कहा, प्रिय रास के समय हठात तुम्हें ना देखकर मैं तुम्हारे विरह में कातर होकर तुम्हें ढूंढ रहा था। यह रास केवल तुम्हारे लिए ही है, तुम फिर कभी ऐसा मान करके मुझे छोड़कर मत चली जाना। इस प्रकार वासंती रास का अपना एक प्रधान वैशिष्ट्य है, जिसमें श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हुई है। श्री जयदेव कवि ने अपने गीत गोविंद में, गीत गोविंद जो जगन्नाथ जी के लिए रोज गाया जाता है और उनको सबसे ज्यादा प्रिय है, कहते हैं कि जहाँ भी गीत गोविंद गाया जाता है वहां बैठ के ठाकुर जी उस गीत गोविंद को सुनते हैं, दिखाई नहीं देते हैं पर वो आ जाते हैं। तो इस गीत गोविंद में इन्होंने वासंती रास लीला में जो लीला हुई है कि लीला के समय क्या होता है कि हजारों हजारों गोपियों के साथ कृष्ण लीला रास लीला कर रहे होते हैं, और वो सब गोपियों के साथ अपने आप को विस्तार करके ही वॉज डांसिंग। तो राधा रानी देखती है कि कृष्ण सबके साथ हैं और उन पे ध्यान नहीं दे रहे, तो राधा रानी मान कर लेती है और वहां से रास लीला छोड़ के निकल जाती है। तो जब कृष्ण का ध्यान कृष्ण जो खुश होते हैं तो वो तब तक ही खुश रहते हैं जब तक राधा रानी होती है। मैंने दिखता ऐसा है कि वो सब गोपियों के साथ मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं, दिखने में ऐसे लग रहा था। पर जैसे ही उन्होंने देखा, जैसे ही राधा रानी वहां से निकल जाती है रासलीला से, तो वो भी एकदम विरातुर हो जाते। जब तक राधा रानी वहां थी तब तक वो खूब सुंदर से सब गोपियों के साथ ही वॉज डांसिंग, लेकिन जैसे ही राधा रानी वहां से निकलती है तो वो भी राधा रानी के विरह में उनको ढूंढने के लिए रासलीला छोड़ के निकल जाते हैं। और जब वो निकल जाते हैं तो गोपियां भी कृष्ण को ढूंढने के लिए उनके पीछे पीछे आती। तो यही वो लीला है, इसके बारे में श्री जयदेव जी ने अपने कवि ने अपने गीत गोविंद में वासंती रास का वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीमती राधिका की श्रेष्ठता प्रमाणित करते हुए इस वासंती रास का ही प्रमाण दिया है। चैतन्य चरित में इस लीला के बारे में बहुत सुंदर श्लोक है, राय रामानंद संवाद में हम लोग ने पढ़ा भी था, इस सरस प्रसंग का वर्णन है। गौड़ीय वैष्णव के लिए यह स्थान अत्यंत महत्व रखता है, और बहुत कृष्ण की बहुत सी प्रेयसियां हैं, बहुत जो लोग उनसे प्रेम करती है प्रेयसियां, किंतु उन महाभाव स्वरूपा यानी श्रीमती राधिका सर्वगुण संपन्न होने के कारण कृष्ण कांता शिरोमणि है। जो महाभाव स्वरूप है वो सिर्फ और सिर्फ श्रीमती राधिका का है, और गोपियों का भाव भी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ भाव है श्रीमती राधिका रानी का। उनकी तरह मैंने उनका पात्र इतना है कि वो कृष्ण का जो प्रेम है वो सबसे ज्यादा श्रीमती राधिका के पास है, और उनके ही अंदर महाभाव होता है, इसलिए वो कृष्ण कांता शिरोमणि है। इसलिए श्री कृष्ण अन्य सखियों के सम्मुख अपने चतुर्भुज स्वरूप को धारण किए रहे, परंतु जैसे ही उन्होंने राधा रानी को देखा वो अपने भाव को स्थिर नहीं रख सके, उनके दोनों हाथ उनके ही स्वरूप में घुस गए। राधा जी की यह विशेष महिमा है, पैठा में
यानी उनके हाथ पैक गए, ऐसे ब्रज भाषा में बोलेंगे, जैसे उनके हाथ उनके अंदर ही समा जाते हैं, तो उसको ब्रज भाषा में बोलेंगे पैठ गए। तो पैठा में नारायण सरोवर, तो उस जगह का नाम ही पैठा हो गया है। पैठा में नारायण सरोवर, ऐठा में कदम, क्षीर सागर और बलभद्र कुंड आदि दर्शनीय स्थान, पास में ही बछड़ों को चराने का स्थान बछ गांव है, जहाँ पे बछड़ों को चढ़ाते हैं उस गांव का ही नाम बछ गांव है। वहाँ कनक सागर है, सहस्त्र कुंड है, राम कुंड है, अडवारो कुंड है, रावरी कुंड है, माखन चोर ठाकुर तथा वत्स बिहारी ठाकुर, यानी इनकी विग्रह है। बछ गांव पैठ से 3 मील दक्षिण में बछ गांव है। इसे वत्स वत्सवन भी कहते हैं, यहाँ बछड़ों का चराने का स्थान है। इसकी लीला इस तरह है कि ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की और भी मधुर लीलाओं का दर्शन करने के लिए ग्वाल बाल और बछड़ों का अपहरण कर लेते हैं, तो किडनैप कर लेते हैं। उस समय श्री कृष्ण ने स्वयं सारे बाल ग्वाल, उनकी लकुटिया, कैसे जब बछड़ों को वो कि उस गुफा में छोड़ आते हैं कैद करके ब्रह्मा जी, तो चुरा लेते हैं, तब क्या कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण स्वयं ही सारे बछड़े बन जाते हैं, कृष्ण स्वयं ही सारे गोपाल बन जाते हैं, कृष्ण स्वयं ही उनके कपड़े बन जाते हैं, उनके श्रृंगार बन जाते हैं, उनकी लकुटी बन जाते हैं, सब कुछ कृष्ण हो जाता है, कृष्ण ही कृष्ण होते हैं। तो इस तरह बंसी, श्रृंग, बछड़े, सब कुछ, एक वर्ष तक कृष्ण ही सब कुछ बनकर ब्रज में वास कर रहे थे। ये बहुत ही सुंदर लीला हुई थी। तो जब एक वर्ष केवल दो एक दिन बाकी रह गया था, उसी समय श्री कृष्ण बलराम एवं ग्वाल बालों के साथ इस स्थान पर बछड़े चढ़ा रहे थे। इधर क्योंकि बलराम जी का उस दिन जन्मदिन होता है, तो उस दिन वो नहीं जाते हैं कृष्ण के साथ बछड़े चढ़ाने। जब ये लीला हुई थी, जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया, तो बलराम को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो एक साल जब बीतने वाला था, पूरा एक साल, तो उसमें एक दो दिन रह गए थे, तब कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के साथ इस स्थान पर बछड़ा चढ़ा रहे थे। तो जो ग्वाल बाल थे वो भी कृष्ण ही थे, जो बछड़े थे वो भी कृष्ण ही थे। तो वो लेकिन बलराम जी ये बात नहीं जानते। तो इधर निकट ही गोवर्धन पर्वत पर, उसके पास ही गोवर्धन पर्वत पर प्रौढ़ गोप गौओं को चरा रहे, जो मिच्योर जो बड़े गोप हैं वो बड़ी बड़ी गैयों को गोवर्धन पर्वत पर चरा रहे थे, और ये लोग नीचे बछड़ों को चरा रहे। तो गौओं के नवजात बछड़े और बछड़ियां भी पास में ही थी, तो जहाँ पे बड़ी गायों को चराया जा रहा था, उनके जो उन्होंने नए नए बछड़ों को जन्म दिया था, वो भी उनके साथ ही खड़े थे। तो गौओं के क्या होते हैं, गौ जो गाय है वो दूर से नीचे उन बछड़ों को देखती है जो कृष्ण के पास है, और वो अपने एक वर्ष के से अधिक आयु के बछड़ों को देखकर हुंकार करती हुई, यानी गायों का कैसे होता है, वो जो नए बच्चे बछड़े होते हैं वो उनको ज्यादा प्रेम करती है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। गायों के पास उनके नवजात शिशु बछड़े हैं, लेकिन वो नीचे अपने 1 साल बड़े बछड़ों को देखकर उनके उनकी भावना वैसे हो गई जैसे वो नए बछड़ों को लेकर होती है, और वो हुंकार करती हुई, जोर जोर से आवाजें करती हुई, कांटे रास्ते में, कांटे हैं, घास है, गड्ढे हैं, पत्थर हैं, उन सब की परवाह किए बिना वो चौकड़ी भरती हुई जोर जोर से दौड़ने लग गई। तो प्रौढ़ गोप जो गोप थे, यानी ये तो बच्चे हैं, जो बच्चे जो थे वो बछड़ों को चलाते थे, और जो बड़े गोप बाल थे, बाल नहीं, जो बड़े गोप थे वो बड़ी गायों को चढ़ाते थे। तो जब ये देखते हैं कि जो प्रौढ़ गोप है उन्हें अपनी लाठियों से घेरते हुए रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे कि कहाँ ये गैया कहाँ दौड़ के भाग रही है सारी, तो किंतु उन्हें रोक नहीं पाती। तो उन्होंने पास में ही खड़े अपने नवजात बछड़ों की भी परवाह नहीं की। गौएं इसी स्थान पर अपने बछड़ों से मिली तथा हुम हुम करती हुई बड़े प्यार से उन्हें चाटने लगी। प्रौढ़ गोप गौओं को रोकने में तो
जो बड़े गोप थे वो सब गाय को रोकने में असमर्थ हो गए, और इस कारण वो बड़े क्रोधित भी हो गए क्योंकि वो अपने गायों को रोक नहीं पा रहे, और वो बिना सोचे समझे ऊपर से नीचे दौड़ रही, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी उनकी उनकी भी चिंता नहीं करी। तो उन्होंने सोचा हमारे बच्चों ने ही वेणु सिंह की ध्वनि से गौओं को आक्रोश किया। तो ये जो बड़े गोप है वो सोचते हैं कि जो कृष्ण और बाकी के ग्वाल बाल है वो जो बंसी बजा रहे हैं उसको सुन के गाय भाग रही है, तो वे शीघ्र ही पहुँच कर अपने बच्चों को दंड देना चाहते हैं, उनको डांटते हैं, गुस्सा करते हैं। किंतु निकट पहुंचते ही उनका सारा क्रोध शांत हो गया, और वो भी अपने बच्चों को गले से लगाकर प्यार करने लगे। तो श्री बलदेव जी जो इस घटना को देखते हैं कि बड़े आश्चर्य हुए, उन्होंने सोचा क्या कारण है कि आजकल ये जो गाय है अपने नए बछड़ों को छोड़कर इन पुराने बछड़ों को अधिक स्नेह कर रही है। पहले तो ये अपने नए बछड़ों को और उससे भी अधिक भैया कृष्ण को प्रेम करती थी, लेकिन अब ये कृष्ण को छोड़कर अपने बछड़ों को प्रेम कर रही है। दूसरी ओर दूसरी बात, गोप माता है पहले कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी, किंतु अब कृष्ण और अपने पुत्रों में समान स्नेह रखती है, यानी जब वो अपने पुत्रों को देखती है तो वो वैसे ही प्रेम करती है जैसे पहले कृष्ण को करती थी। उन्हें उन्हें इस क्यों का उत्तर ढूंढने के लिए समाधि नेत्रों से देखा, और फिर मुस्कुराते हुए कृष्ण से कहे, भैया क्या एक मैया के दूध से तुम्हारा पेट नहीं भरा, जो लाख लाखों माताओं का दूध पीने के लिए उन सभी के बच्चे बन गए, फिर भी पेट नहीं भरा, तो इन सारे बछड़ों का भी रूप धारण कर लिया और करोड़ों गायों के दूध पी रहे हो। मैंने कृष्ण ने इतना भरपेट दूध पिया उस लीला में, तुम्हारी इस लीला का रहस्य क्या है? कृष्ण ने बलदेव जी को सारे रहस्य सुनाया, इसलिए इसे बछड़ों के वन के वन से बचवन कहते हैं। अभी एक लीला और ले लेते हैं। नेक्स्ट इज गौरी तीर्थ। आनियर गांव के बुर्ज में थोड़ी ही दूर पर गौरी कुंड है। स्थान कदम वृक्षों से भरा हुआ है, कदम के फूल बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, भरे हुए बॉल्स की तरह लगते हैं, तथा हरे भरे कुंजों के बीच रमणीक स्थल है। चंद्रावली एवं कृष्ण के निभृत विहार का स्थल है। चंद्रावली जो है वो अलग पार्टी है, राधा रानी एंड उनकी सखियां जो अष्ट सखियां है वो अलग पार्टी है, तो चंद्रावली जो है वो उनकी ओपोनेंट है। यहाँ पे चंद्रावली एवं कृष्ण की विहार लीला हुई है, विहार लीला स्थल है। विदग्ध माताओं नाटक में इस प्रसंग का सरस वर्णन आता है। चंद्रावली जी वृषभानु महाराज के जो बड़े भैया है, चंद्रभानु गोप की कन्या है। ये रूप गुण लावण्य वेदग आदि विषय में श्रीमती राधिका के विपक्ष की सर्वश्रेष्ठ गोपी है, तो ये विपक्ष की गोपियां हैं। पद्मा एवं सैव्य जो विपक्ष की गोपियां, उनकी है चंद्रावली है, और इस तरफ जो पक्ष की गोपियां गोपियों की है जो है वो राधा रानी। पद्मा एवं सैव्य इनकी प्रधान सखियां हैं। ये अपनी सहेलियों के साथ गौरी पूजन के छल से यहाँ इस संकेत स्थान पर कृष्ण के लिए इंतजार करती थी, और श्री कृष्ण कुछ समय के लिए इनसे भी क्रीड़ा विनोद करते थे, हंसी मजाक करते थे, और कभी कभी श्रीमती राधिका की रूप एवं रति मंजरिया छल बल से कौशल से श्री कृष्ण को यहाँ से ले जाकर श्री राधा कुंड में श्रीमती राधिका जी के साथ इनका मिलन करा। तो जो चंद्रावली थी तो वो इनको बीच में कृष्ण को रोक लेती थी, वो राधा रानी के पास इनको जाने नहीं देती थी। तो जो दूसरी राधा रानी की सखियाँ थी तो वो छल करके कृष्ण को किसी ना किसी बहाने से यहाँ से ले जाती थी, और राधा कुंड पर राधा रानी के साथ उनका मिलन कराती थी। एक समय कृष्ण ने चंद्रावली जी से विनोद करते समय हड़बड़ी में भूलवश उनसे पूछा, कृष्ण राधे तुम कुशल पूर्वक तो हो? राधिका जी का नाम सुनते ही चंद्रावली चिढ़ गई और बोली, वो जल्दबाजी में चंद्रावली को राधा बोल गए। तो चंद्रावली बोलती है, महाराज कंस आप सकुशल तो हैं? तो वो भी कृष्ण को बोलती है, महाराज कंस। तो कृष्ण सखी यहाँ कंस कहाँ है? तो चंद्रावली कहती है, यहाँ तुम्हारी राधिका कहाँ है? तो कृष्ण को अपनी भूल समझ में आई और वे बड़े लज्जित होकर चंद्रावली से क्षमा मांगने। इसके आगे आनियोर गांव है, इसको हम कल लेंगे क्योंकि अभी ये जूम हमारा बंद होने वाला है। आनियोर गांव के बारे में थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं।
यह गोवर्धन गांव से 2 मील की दक्षिण में परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। आनियोर का मतलब ये ऑर्डो। जब गिरिराज गोवर्धन की पूजा और आरंभ किए थे, क्योंकि भगवान ने बोला कि इंद्रदेव की पूजा नहीं करनी, तो उन्होंने कहा गोवर्धन जी की पूजा करनी है। जब गोवर्धन जी की पूजा हो रही थी, तो पूरा ब्रज में जितना भी भोग था, जितना भी खाना था, जितना भी अच्छे अच्छे नैवेद्य बने थे, वो गिरिराज जी को ऑफर किए जा रहे थे सारे ब्रजवासी। लेकिन फिर भी गिरिराज जी बोलते हैं और आन्योर आन्योर यानी और लाओ, तो उनके लिए इतना भोग ऑफर हुआ है। इसलिए जब हम गोवर्धन जी की पूजा देखते हैं, तो बहुत सारा भोग ऑफर होता है गिरिराज जी को। तो यहाँ पे यहाँ की जो लीला है, इसको हम कल श्रवण करेंगे, और आज यहाँ पे हम हमारी गोवर्धन यात्रा को परिक्रमा को यहाँ पे थोड़ा पॉज देंगे, एंड फिर कल इसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ढेर सारी लीलाएं हैं, एंड हम सबको डिटेल में जानेंगे, क्योंकि हम परिक्रमा इसीलिए करते हैं ताकि राधा रानी और कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको श्रवण कर सकें। जब हम लीला श्रवण करते हैं, तब हम हमारे तीनों तापों से मुक्त होते हैं, और हमारे हृदय में जो हम अपना रिलेशनशिप कृष्ण के साथ भूल चुके हैं, जिस कारण से हम इस 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, उसको हम रिवाइव करते हैं। क्योंकि ये लीलाएं हम बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, लेकिन तब भी ऐसे फील ही नहीं होता कि ये पुराने हो गए, या हम बोर हो रहे हैं, या हमको अच्छी नहीं लग रही। जितनी बार सुनते हैं, उतनी बार ये हमें सुख देता है, क्योंकि ये भगवान की लीला है, और क्योंकि हमारा रिश्ता है उनके साथ। इसलिए आगे की लीला हम कल पढ़ेंगे आनेर गाँव से। हरे कृष्णा वांछा कर्तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य वचा पतिता नाम पावनी वैष्णवी नमो नमः। धन्यवाद प्रणाम एवरीवन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन हरे कृष्णा एंड धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्णा।